व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू करेले। आलू करेले मेरे स्टाइल में, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, मैंने लिए थे 1/2 kg करेले और उनको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ पानी से वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद उसको कट किया, फिर उसके बाद फिर वॉश किया है ताकि जो भी बीज वगैरह या ऐसी चीज़ें रह गई हैं। कुछ लोग इस पर नमक लगाते हैं, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, तो मैं उन सब तरीक़ों से हट के बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डाल लेते हैं अपने करेले। करेलों को हमने ऐड कर दिया है तपते तपते तेल में। अब ये अच्छी तरह से हो जाएंगे फ्राई। ऊपर से हम इसको कर देते हैं कवर। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बीच बीच में हमने अपने करेलों को चेक भी कर लेना है, ये ना हो कि हम बाकी काम ख़त्म करते रहें और करेलों का काम तमाम हो जाए। और आज हमने मीडियम टू लो रखनी है। हमने इनको तेज़ आंच पे ब्राउन कलर इसका या फिर इनको जलाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि बस जो इसमें थोड़ी सी नमी है वो भी थोड़े से ये ड्राई भी हो जाए और थोड़े से कुरकुरे टाइप भी हो जाए, समझ गए? दोबारा से देख लेते हैं। हमें करेलों को जितना फ्राई करना था हमने कर लिया, अब बस हम इनको निकाल लेंगे। इस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, हम दूसरे वाला फ्लेम ऑन कर लेंगे। दूसरी साइड हमने फ्लेम ऑन कर दिया। हाफ कप हमने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन का मसाला भी ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड करने के लिए मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज के, उनको मैंने कट कर लिया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। रिजक को ज़ाया नहीं करते, बार बार वीडियोस में यही मैं आपके साथ बात यही शेयर करती हूँ कि रिजक जब जिसके पास नहीं होता ये जब जो चीज़ जिसकी हम बेहुरमती करते हैं जब वो ख़त्म हो जाती है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब ऑयल में से करेले निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑयल करेलों के बराबर हो जाएगा जितना हमें करेलों में ऑयल चाहिए। हमने प्याज़ों को फुलदार मतलब कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ना ज़्यादा इनको कलर हमने ब्राउन करना है, बस इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जैसे भिंडियों में इस्तेमाल होते हैं प्याज जाते हैं, mm-hmm.
साथ में अब हम नमक ऐड कर देंगे। नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ली थी अदरक का छोटा सा पीस और 3-4 हरी मिर्चें और एक टमाटर, उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। हरी बैटर को इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसमें ऐसे डाल के तो फिर उसको मिला डालेंगे ताकि चीज़ें हमारी चाय ना हो। और साथ ही हम अपने मसाले जितने भी हैं वो ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा छिड़काव करेंगे पानी का और इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे 1-2 सेकंड के लिए। मसाले हमारे हो गए रेडी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं आलू करेले, तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, और अब हम ये भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें तो करेले ऐड कर देते हैं। हमने करेले सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखा कैसे खुश हो गए बेचारे, अकेले उधर पड़े हुए थे ऑयल के अंदर। वाह वाह वाह, कमाल ही हो गया।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बस अभी इसको हमने 5 मिनट ऐसे ही भूनना है बगैर पानी के, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे ताकि जो करेलों और इसका आपस में इनका गठजोड़ है वो भी अच्छे तरीके से बन जाए और साथ में अगर कुछ रह गई कमी पेशी तो वो भी पूरी हो जाए। चीज़ को अच्छे तरीके से बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और गले से उतारने के लिए ऐसे ही बनाने के लिए फजूल में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो उससे बेहतर ये है कि हमने खुद खानी होती है तो थोड़ी सी अच्छे तरीके से बना लिया फिर थोड़ा काम ज़्यादा टाइम दे दिया करें ताकि हमारी रेसिपी जब कोई और भी फॉलो करे या हमारी रेसिपी की हमें रिव्यू मिले और हमें बहुत खुशी हो और अगले इंसान को भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया और उसे भी खुशी हो कि अच्छी रेसिपी मिली है। ऐसे तो हज़ारों रेसिपी हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग भी ऐसे करेले आलू बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं। जो लोग कहते हैं कड़वे करेले बनते हैं, ज़रा से कड़वे नहीं बनते, बहुत मज़े की ये डिश बनती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और इसको अच्छी तरीके से भूनें, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसी पानी के अंदर इन करेलों और आलुओं का काम तमाम होगा। छोड़ दें इसको मीडियम आंच पे, चूल्हा अपने मीडियम कर दें, ज़्यादा हाई भी ना करें कि ताकि ये गले ना और ऐसे ही जल जाए। अब हम इसको कवर कर देते हैं। आंच हम लो कर देते हैं। मिलते हैं आपके साथ 5 मिनट के बाद। जब हमारी हांडी स्टेज पे पहुँचे तो तब हम थोड़ी सी अदरक इसको हम जूलन कट कर लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। तो हमारे आलू वगैरह ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा और टाइम है ताकि पानी वगैरह खुश हो जाए। लीजिए आलू करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको कर देते हैं डिश आउट। वाह, बनाएं खाएं सबको खिलाएं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।